तो दोस्तों झिनझिन भाइयों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी महिंद्रा बोलेरो 2014 मॉडल नंबर गाड़ियों के लिए या 2015 मॉडल नंबर कार के लिए, उन सभी भाइयों के लिए आज मैं लेके आ चुका हूं 2014 मॉडल नंबर की महिंद्रा बोलेरो कार। तो भाई बात करते हैं जल्दी से इस गाड़ी के इंफॉर्मेशन और कंडीशन के बारे में। तो दोस्तों जो गाड़ी का मॉडल नंबर है जैसे कि मैं बता चुका हूं 2014 और ये फोर्थ ओनर कार है। वहीं फ्रेंड्स जो गाड़ी का फ्यूल टाइप है वो डीजल और जो गाड़ी का ट्रांसमिशन है वो मैनुअल है, साथ साथ ये यूपी नंबर रजिस्ट्रेशन कार है। और दोस्तों जो इस वक्त गाड़ी खड़ी हुई है हाथरस उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ी हुई है, साथ साथ जो गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड है वो 2024 तक वैलिड है, साथ साथ जो गाड़ी का कलर है व्हाइट कलर की आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाती है। वहीं फ्रेंड्स गाड़ी के ऑल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, कार लोन फैसिलिटी गाड़ी पे अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया, फिट है आप किसी भी जिले या किसी भी स्टेट से क्यों ना हो आप इस गाड़ी को आसान किस्तों पे भी खरीद सकते हैं। तो आइए बात करते हैं जल्दी से गाड़ी के कंडीशन के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, गाड़ी पे किसी भी टाइप का कोई भी आपको बड़ा डैमेजिंग या बड़ा स्क्रैचेस देखने को नहीं मिलेगा। अगर गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो हेडलाइट्स गाड़ी के अंदर आप सभी लोग गुड कंडीशन में देख ही सकते हैं, साथ साथ आपको जो है मिडिल में मिल जाता है महिंद्रा का लोगो। अगर गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो साइड मिरर गाड़ी में परफेक्ट कंडीशन में, तो आपको चारों के चारों टायर्स जो है वो गाड़ी के अंदर आप सभी को गुड कंडीशन में देखने को मिल जाते हैं। अगर गाड़ी के बैक प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो टेल लाइट्स गाड़ी के अंदर आप सभी लोग गुड कंडीशन में देख ही सकते हैं। बूट स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है महिंद्रा बोलेरो कार के अंदर। अगर गाड़ी के इंजन के बारे में बात की जाए तो इंजन गाड़ी का काफी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात होती है देखिए, अगर बैटरी पे ज्यादा कार्बन जमा हो रहा है इसका मतलब है कि बैटरी में खराबी है। अगर बैटरी परफेक्ट कंडीशन में इस गाड़ी के अंदर जो कि आप देख सकते हैं, और दो तीन चीजें देखिए गाड़ी में चेकआउट करने वाली होती हैं जो कि मैं आपको इसके लिए एक परमानेंट वीडियो बना दूंगा या आई बटन में आपको इसका एक लिंक दे दूंगा। वहीं फ्रेंड्स अगर गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात कर ली जाए तो डैशबोर्ड गाड़ी में परफेक्ट कंडीशन में, एसी गाड़ी रनिंग कंडीशन में विद म्यूजिक सिस्टम के साथ। और दोस्तों गाड़ी के अंदर आप सभी को पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, चलो की चलो विंडोज पावर विंडोज मिल जाती है, साथ साथ सीट कवर गाड़ी के अंदर लाजवाब कंडीशन में देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल एक परफेक्ट कंडीशन कार है, यहां पे कोई भी आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है कार के ऊपर। और हां ओनर जैसे कि मैं बता चुका हूं अर्जेंट में जैसे कि अपनी कार को बेच रहे हैं तो प्राइस भी अच्छा खासा कम होगा और वो करेंगे भी। अगर आप इस गाड़ी को लोन पे खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको डाउन पेमेंट करनी होगी अप्रोक्स 35,000 रुपए, बाकी की आप छोटी छोटी ईएमआई पे आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सभी लोग इस गाड़ी को अगर कैश में खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जो मेरे पास ओनर की डिमांड आई है वो आई है 3,40,000 रुपए की। तो अगर आप सभी को मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी वेबसाइट पसंद आ रही है तो जाके जल्दी से फॉलो करिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।